ठीक है फिर सर, ओके चलते फिर। ओके ब्रो। तो गाइस हम निकल चुके हैं मंडी से, ये मार्केट है मंडी की, पुरानी मंडी की। फ्रेंड भी निकल चुके हैं जो आगे चले गए थे। यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी लगती है, तो कंजेस्टेड है इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा लगता है। यहाँ पे शॉप सारी बंद ही है, संडे आज संडे की मार्केट खुली नहीं होती, यहाँ पे संडे को बंद ही रहता है। बाय बाय मंडी, आएंगे दोबारा फिर से, फिर कभी जब लगेगा मिलेगा मौका तब जरूर आएंगे। एक तो उधर मनाली में ठंड इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से गोप्रो बंद हो गया था मेरा, इसके कारण वीडियो नहीं बना पाया, और ऊपर से ये गिर गई थी, ये टूट गया हुआ है। चलो कोई नहीं, इसका एक्सचेंज करवा लेंगे, नया डलवा लेंगे। और एक तो बाइक में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, जैसे हैंडल छोड़ रहे हैं थोड़ा सा भी, थोड़ा सा लूज छोड़ रहे हैं तो हिलने लग रहा है। बैजनाथ 75 किलोमीटर, हमें लगभग 75, ये देखो देखना ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, बता देंगे इसको भी, कन्वर्टेबल था ये, ठीक है गर्मी में भी ठीक और ठंड में भी ठीक। इशारे कर रहा है, आ रहा हूँ मैं कैमरा में। हाँ भाई आ रहा है तू कैमरे में। इसका हैंडल भी ठीक नहीं है, इस साइड से गिरी थी तो इस साइड से थोड़ा डाउन है, इस साइड से अप है।
व्यू देखो गाइस एक बार। अरे एक तो हैंडल में बड़ी प्रॉब्लम, ये देखो रुको आपको जाता है, ये देखो हिल रहे हैं ना ये, इसके बोला है यहाँ पे अंदर बैरिंग्स होता है वो, उसकी जो अंदर बैरिंग के अंदर जो होते हैं वो निकल गए हैं, तो वो डलवाने हैं, नया बैरिंग ही डलेगा, वो ही डलवा लेंगे। ये तो होता है इनका, बस इंडिकेटर देते नहीं है और सीधा चले आते हैं, फिर अगर टकरा जाएगी तो बोलेंगे बाइक वाले की गलती है। यही तो होता है छोटे व्हीकलों के साथ, न्यू प्रेम। ये सुख होता है बाइकों का, न्यूट्रल लग जाता है इस टाइम, न्यूट्रल चलिए देख लो, रगड़ा पड़ा पे 50। मैंने घर से निकलते टाइम ट्रिप नहीं किया था मीटर का, पर जब हम बैजनाथ में पहुंचे थे तब कर दिया था मैंने ट्रिप इसका। बैजनाथ पपरोला से थोड़ी सी पीछे जब पहुंचे थे तब इसका ट्रिप कर दिया था, तो नगरोटा बगवा 71 किलोमीटर जाना अभी हमने नगरोटा बगवा, तो मैं बोल रहा था तब ट्रिप कर दिया था, तो अभी तक चल बैठी है 350, भी हमें 71 किलोमीटर जाना है। तेल हो जाएगा कोई नहीं, अभी तो न्यूट्रल ही है, देख लेंगे होगा कि नहीं। यही सुख होता है बस बाइकों का कि जहाँ मर्जी से निकाल लो, और इन छोटी बाइकों का वो ही फायदा होता है कि कहीं से भी निकल जा सकती है। बाकियों के लिए छोटी होगी पर हमारे लिए तो यही है, हमारे लिए तो यही हायाबूसा है, यही जन्नत है। कोई नहीं, लेंगे अपनी मेहनत से लेंगे, पापा को कितना का कष्ट देना। कब तक बाप के पैसों से ऐश करनी, मजा तो उस बात का है जब अपने पैसों से ऐश करें। कोई नहीं, हम भी नई बाइक ले लेंगे, आप इसी तरह हमारा साथ देते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और बाकियों से भी सब्सक्राइब करवा लें। न्यू बाइक तो जरूर आएगी, फ्रेंड कहाँ रह गया, वो उधर ही फंस गए हैं। ये देखो ये नाच 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 बसंती नाच। चलो कोई नहीं, होता है होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें तो होती रहती ही। हा 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 क्या बढ़िया था गुरु। वैसे एक बात है, सोलो राइड में मजा आता है,
गैस सिलेंडर्स। तो दोस्तों हम जोगिंदर नगर पहुंच चुके हैं, न्यूट्रल चले हुए हैं, अभी 3-4 किलोमीटर से न्यूट्रल ही हैं। तेल की थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं। ये जोगिंदर नगर की मार्केट है सारी, कोई 1 किलोमीटर से तो चल ही रही है मार्केट ये। ये गया बस स्टैंड का रास्ता, ये नीचे वाला बस स्टैंड को चल गया रास्ता, हमने जाना है सीधा। व्यू देखो गाइस, एक बार पहाड़ पहाड़ ही पहाड़। टाइम हो गया है 4 बज गए, छः के बजे तक तो पहुंच जाएंगे आराम से। बैजनाथ में लगेगा थोड़ा टाइम क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट वहाँ पे लग ही जाएंगे। $4,002 गाड़ी का नंबर बड़ा VIP है। तो गाइस हम इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पहुंच चुके हैं, अभी ही हमने क्रॉस किया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये सारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही है, अभी बस 2-3 किलोमीटर का बैजनाथ आएगा, फिर पालमपुर, फिर नोरोटो होगा डेस्टिनेशन। वन टू थ्री स्टार्ट, नाच मेरी रानी 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 नाच। बड़ा ये पंगा इसका, दोनों हाथों से चलाने पड़ रही है, ऊपर से जोर लगाना पड़ रहा है हैंडल को, नहीं तो हैंडल थोड़ा सा भी लूज रह रहा है तो उसकी वजह से हिलने लग पड़ रही है। चलो कोई नहीं, बता लेंगे। बाकी तो इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं अच्छी नहीं चली, ये किया वो किया, बाकी तो बढ़िया है। और डी आजकल
पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही है ना? पटाखा मारा इसने और चैन गिर गई शायद। टूट गई चैन। नहीं नहीं नाच नाच मेरे रानी 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 नाच। इधर स्टार्ट करने पड़े। हम बैजनाथ पहुंच चुके हैं। ये बैजनाथ की मार्केट ही है। आगे बैजनाथ मंदिर है। अरे एक तो कुत्ते सुबह डाल लेते हैं, अचानक आ जाते हैं बीच में। अरे हुआ वही पंगा शायद। ट्रैफिक चलो कोई नहीं, हमारे पास तो है बाइक, हम तो निकल जाएंगे। यो नीचे जाना हमें। ये आ गया बैजनाथ मंदिर। गाइस बैजनाथ का मंदिर। ये उस साइड पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। अरे बस आ गई, नहीं तो बताता आपको मैं। ये देखो ये उस साइड है। चलो कोई नहीं, आएंगे यहाँ पे किसी दिन। ये इस तरफ जहाँ पे बस जा रही है वो बस स्टैंड बैजनाथ का, भोलेनाथ का मंदिर। बोल वो निकल रही है सुथा भीड़ वेले। भीड़ बेलिंग दिल्ली। इधर ट्रैफिक बड़ा लगता है यार। इधर फंस जाएंगे हम ट्रैफिक में। खुल गया ट्रैफिक। एक तो यहाँ के NH रोड है,
इसको भी देख लो कितने पतले पतले से, थोड़ा इनको खोलना चाहिए यहाँ, जिसकी वजह से थोड़ी ट्रैफिक भी कम लगेगी। थोड़ी क्या ज़्यादा ही ट्रैफिक, फिर कम ही हो जाएगी ट्रैफिक, ट्रैफिक रहेगी नहीं। कोई नहीं, बन रहा है, सरकार ने तो बोला है वैसे कि पठानकोट मंडी हाईवे बनेगा, सर्वे हो गया, अब देखते हैं कहां से कहां तक नहीं, कहां से कैसे बनता है, कहां से लेके कैसे। पालमपुर 16 किलोमीटर रह गए यहाँ से, गल एयरपोर्ट 55। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर तक, तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और लाइक ठोक दें। तब तक के लिए बाय बाय।